हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे थे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड यस, अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ वापस कह रही हूँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डबल टैप जरूर करिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए। चलिए देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे थे। अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए या ईश्वर का नाम लीजिए मन में। दिस कुड बी द वन। ओके, रिट्रीट, वेरी नाइस। Free yourself, worth waiting for, children, okay, express your love, give your relationship a chance, playfulness, all right. कल आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे थे। यूजुअली ये लव मैसेजेस हैं, लव ओरेकल डेक है तो, लव एंजल ओरेकल डेक है तो ये लव मैसेजेस हैं। देखते हैं आपके पर्सन ना कल रात को ये फील कर रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही हो वो जिसके साथ वो लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं, लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम यू नो अपना समय गुजारना चाहते हैं और ज़िंदगी वो आपके साथ देखते हैं अपनी। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं या उन्हें आपके साथ थोड़े समय के लिए रहना है, वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ बिताएं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत यू नो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि कुछ समय के लिए ना पूरे वर्ल्ड से डिसकनेक्ट करें और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को टाइम दे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्वान्टिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझे कि हम जो दो एक एंटिटी है या हम दो सोल है, हम एक्चुअल में है क्या, हम क्यों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं या क्यों हम एक दूसरे की तरफ इतना खिंचाव महसूस करते हैं डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज। कितने झगड़े होने के बावजूद, कितने इश्यूज होने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से क्यों प्यार करते हैं इतना। चाह रहे थे वो कि हम डिस्कनेक्ट करें पूरे वर्ल्ड से, सिर्फ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, कहीं घूमने जाएं, कहीं सेलिब्रेट करें। इस समय वो ना ये भी फील कर रहे थे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक एक कुछ 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 चीज़ें हैं जो बहुत यू नो बाइंड उन्हें रोकती है। कुछ चीज़ें हैं वो अपने आप को फ्री नहीं समझते, वो अपने आप को एक फ्री बर्ड नहीं समझते कि जैसा चाहे वैसा आपके साथ बिहेव कर ले, जब चाहे वैसा आपके साथ बिहेव कर ले। उनकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस हैं। हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो खुल के आपसे बात नहीं कर सकते, खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं चीज़ें उनको हिडन रखनी पड़ती है। वो ये सोच रहे थे कि काश ऐसी चीज़ें आए लाइफ में, काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो इतना हिडन ना रहे, वो खुल के आपको बताए कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं या ये अच्छी नहीं है, या उन्हें आपके साथ अगर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग करना है तो उन्हें क्या करना है। आई डोंट नो, बट खुल के जीना चाहते हैं वो, जितना मैं देख रही हूँ। खुल के सांस लेना चाहते हैं जितना मैं देख रही हूँ। जो भी बाइंडिंग्स है वो बाइंडिंग से निकलना चाहते हैं, सब चीज़ें आपको ट्रूली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ट्रूली बताना चाहते हैं। कल वो ये सोच रहे थे कि इतना वेट कर रहे हैं वो जिस भी चीज़ का, या आप इतना वेट कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप में जो भी वेटिंग गेम चल रहा है, या फिर एक साल से एक रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है लंबे समय से, या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, उन्हें वर्थ लगता है। उन्हें लगता है कि हाँ, आप एक ट्रू जेन्युइन पर्सन हो एंड यू आर द वन जिसके साथ शायद ज़िंदगी बिताई जा सकती है। यू आर द वन, उन्हें लगता है कि आप के लिए अगर वो वेट कर रहे हैं या आप आपके पर्सन के लिए वेट करें, वो वर्थ वेटिंग है। कल उसका जो रिज़ल्ट है वो फ्रूटफुल ही रहेगा, फ्रूट्स आएंगे उसके रिजल्ट्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट वेट गेम करके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। आपके पर्सन के जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांगली उनको गाइड कर रही है कि अगर वेटिंग हो रहा है तो उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट बहुत अच्छा होने वाला है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप दोनों में से किसी के बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन हैं जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं।
आप दोनों में से किसी के बच्चे हो सकते हैं, शायद बच्चों की वजह से कॉल नहीं ले पा रहे हों, या किसी की फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सामने वाले के बच्चे हैं, या फिर ये है कि आप दोनों के चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है बचपन में किसी के साथ, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो नहीं खुल पा रहे हैं, या किसी न किसी तरह का फियर है, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसमें हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप हो, आपके पास कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हीलिंग लीजिए एंड इस चीज़ से बाहर आइए। अगर आपको किसी और से हीलिंग नहीं लेना है, तो अपने लेवल पर ट्राई करें कि आप क्या कर सकते हो इस चीज़ की हीलिंग के लिए। आप मंत्रास चांट कर सकते हो, आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो। ट्री हगिंग शुरू करिए 5-5 मिनट की डेली, या 2-2 मिनट्स की डेली। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज जो मदर अर्थ की, जब हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे अच्छा हमें कोजीनेस वहीं से फील होता है ना। वो आप कर सकते हो, अपने लेवल पे कोशिश करिए इस चीज़ को बाहर आने की। बट हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमास मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपको अपना जो ट्रू ट्रू रोमांटिक फीलिंग वो जो आपके लिए फील करते हैं, जो उन्होंने बहुत समय से दबाई हुई है, वो जो भी उनके एक्सपेजेड रीज़न है जिसके कारण नहीं बता पा रहे हैं, वो बताने की सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बताएंगे आपको आने वाले समय में, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और जब हम सोचते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लेवल पर कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ लेवल पर ट्राई करते हैं उस चीज़ को करने के लिए, है ना। वो ये सोच रहे कि इस रिलेशनशिप में को एक और चांस देने की ज़रूरत है। अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए। हो सकता है अभी तक रिलेशनशिप में चीज़ें वन साइडेड थी, एक जन बहुत देता था, दूसरा जन हमेशा लेता रहता था, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी। अब आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए, बहुत पॉजिटिव वे में देना चाहिए, बहुत अच्छे वे में देना चाहिए, एंड इसमें पार्टनरशिप में काम होना चाहिए। वन साइडेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, इक्वल म्यूचुअल लव होना चाहिए। आपके पर्सन आपके साथ ना प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, खुश इस रिलेशनशिप में से नेगेटिविटी का नामो निशान बिटा के खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते। देखिए कैसा टाइम स्पेंड हो रहा है नेचर में, ब्यूटीफुल थॉट्स रहे हैं उनके आपको लेके। यहाँ से देख लेते हैं, यिन एंड यांग, वेरी नाइस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लाइफ पर्पस, मैनिफेस्टेशन, दो कार्ड और लेंगे, द गार्डन, द डिवाइन फेमिनाइन, क्रिएटिविटी। आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन ना आपको अपना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, उन्हें फील होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आए होंगे, आप उसको पार कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपका डिवाइन पे फेथ है, आप डिवाइन पे फेथ रख के उसको पार कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। हो सकता है आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया हो, या फिर ऐसा होगा कि आपने नेचर से कनेक्शन बनाया होगा अच्छा, या फिर आप कहीं जाते होंगे तो डॉग आपके पास आते होंगे। ऐसा होता है जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना, हमारी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, या फिर आपने ऑरा स्ट्रांग करने के लिए कुछ किया होगा। और जब हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है, हमारी ऑरा वाइब्रेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव एनर्जीज है, अच्छे लोग हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनिमल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, डॉग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का लाइफ पर्पस है धरती पे, कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है, आप दोनों का मिलके लाइफ पर्पस है। अगर ऐसा उन्हें फील होता है, तो ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स, सोलमेट्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्विन फ्लेम का लाइफ पर्पस होता है। आपके पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट करे, या तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या प्रेयर करते हैं, या पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं, जो भी है, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रूली डीपली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग समझते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी अपना एम्पायर क्रिएट किया हुआ है, या जो भी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसा भी काम कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में अटकन कोई बड़ा रोड़ा है या कोई ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो।
फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, आपको पता है ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो एंड आपके पर्सन आप, और उसके बावजूद भी आप कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपको बहुत हार्ड वर्किंग मानते हैं एंड वो हार्ड वर्किंग का फ्रूट्स भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो हार्ड वर्किंग का या वो मेहनत का फ्रूट्स आपको नहीं मिल रहे, उसके फ्रूट्स भी आपको मिल रहे हैं। आपके पर्सन आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, बहुत आप ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके हेयर बहुत पसंद है, आपकी स्किन बहुत पसंद है, आपके फिंगर्स बहुत पसंद है, आपकी पूरी ओवरऑल ब्यूटी उन्हें बहुत पसंद है, आपकी आईज़ बहुत पसंद है, आपकी लिप्स बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं आप वो आपको पता नहीं मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वो आपको नेचर से कनेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, उन्हें आप बहुत पसंद हो। द वे यू कैरी योर सेल्फ, जिस भी तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो उन्हें बहुत पसंद है, वो आपको बहुत क्रिएटिव समझते हैं, बहुत अबंडेंटली क्रिएटिव समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत क्रिएटिव हो। शायद ऐसा हो सकता है कि आप आर्ट से कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ करते हो, है ना, या फिर जो भी काम आप करते हो उसमें काफ़ी कुछ क्रिएटिव करते हो, काफ़ी कुछ ब्यूटीफुल करते हो। देखिए प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस समय हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो, लेकिन आप डिस्टॉर्टेड हो, काफ़ी सारी परेशानियों से जूझ रहे हो। ये एक सेम जेंडर का रीडिंग भी हो सकता है, आप दोनों सेम जेंडर से भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, एक दो तीन, आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आप भी उनसे बहुत 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 प्यार करते हो। शायद अभी आप दोनों के बीच में या तो कम बातचीत हो रही है या नहीं बातचीत हो रही है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एंजल्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स इस रिलेशनशिप को गाइड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन की एंजल्स की ब्लेसिंग से आप दोनों के साथ ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।